हेलो फ्रेंड्स, फ्रीजर एक्वेरियम आपका स्वागत करता है आपके पेट शॉप का साथी सिंस 1998 से, जिसमें बहुत सारी वैरायटीज, एक्जॉटिक फिश की वैरायटीज है, जैसे रेडटेल गोल्डन अरवाना, पर्ल अरवाना, डिस्कस, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो रोज अवेलेबल हमारे पास नई नई फ्रेश वैरायटीज आती है। और कैट फूड में भी बहुत सारी वैरायटीज है, जैसे म्याओ ब्रांड है, रॉयल कैनिन है, विस्कस है, रूल्स है, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो हमारे पास अवेलेबल है और विथ डिस्काउंट्स। और इसके लिए आपको हमारी शॉप पे आइए, एक बार विजिट करिए और उसका फ़ायदा उठाइए। अभी एक दो जन का ऐसा प्रॉब्लम है कि घर में राशन नहीं है। वो लोग घर से बर्तन फेंक रहे, हमारे दो दो तीन तीन महीने का भाड़ा रुका है। मेरे बार के पारी भीख मांग मांग के भाड़ा भरी हूँ मैं। तो पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, काम करके लिए घर में बिठा दिए। ऑन पेपर लिख के दो हमको, इतनी पगार इतनी तारीख को आएगी, उसके बाद हम लोग काम चालू करेंगे। परमानेंट ड्यूटी रहेंगी और अभी निकाल दिए। तीन महीने का पेमेंट चाहिए, एक ही महीने का बोलेंगे, एक महीने का मिलेगा करके, तीन महीने का पेमेंट हमको पूरा चाहिए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। जिस समय मौजूद है हम मुमरा के एमएम वली में, जो कोरोना सेंटर बनाया गया है, यहाँ पर हम मौजूद है। और इस कोरोना सेंटर में काम करने वाले जो सुरक्षा गार्ड है और जो सफाई कर्मचारी है, अन्य विभाग के कर्मचारी जो है, वो आज यहाँ पर जो है धरना आंदोलन कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि तकरीबन 4 महीने से इन्हें पगार नहीं दिया गया है। ये सभी जो है ठाणे महानगर पालिका के अंडर में जो है काम करते हैं। जो नया एमएमओली पे कोरोना सेंटर बनाया गया था, वहाँ पर जो है ये सभी कर्मचारी, जब से ये कोरोना सेंटर खुला है तभी से ये लोग इस कोरोना सेंटर में काम कर रहे थे, लेकिन 4 महीने की पगार इन लोगों को नहीं दी गई। और ये लोग जो है आज यहाँ पर टीएमसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ कर्मचारी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या इनकी तकलीफ है और किस तरह की इन्हें जो है तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इन्हें जो है 4 महीने से पगार नहीं दी गई है, कैसे इनका घर बार चल रहा है, हम इन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा अजीब जगताप मेरा नाम है। सितंबर महीने से हम लोग इधर ज्वाइन हुए, काम कर रहे हैं, लेकिन 3 महीना हो गया हमको, अभी 4th महीना चालू है, लेकिन हम लोग को कोई मतलब सैलरी कोई मिला नहीं या कुछ मतलब मिला नहीं हम लोग को। और सब जन फैमिली वाले सबके प्रॉब्लम्स है। और हमारी माननीय जितेंद्र आवर साहब से यही दरखास्त है कि जल्द से जल्द आप खुद ध्यान दे के हमारा मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करो। कुछ 4 महीने से पगार नहीं मिली, दीपावली में कुछ बोनस वगैरह, जब पगार नहीं मिली बोनस कहाँ से मिलेगा, लेकिन कैसे घर चल रहा है आपको, लोगों का परिवार कैसे चल रहा है आपको? अभी सब कुछ एकदम चला रहे, कैसा कैसा करके चला रहे, जो जिसके सबके ईएमआई वगैरह बाउंस हो रहे, सबके कोई भाड़े के घर में रहता है, कोई अभी एक दो जन का ऐसा प्रॉब्लम है कि घर में राशन नहीं है। वो लोग किसी किसी से उधार लेके भी कर रहे हैं। हम लोग की परेशानी हो रही है, हम लोग रूम वाले हम लोग को घर से बर्तन फेंक रहे, हमारे दो दो तीन तीन महीने का भाड़ा रुका है। हाँ, खाने पीने को राशन नहीं है घर के अंदर, बोलते 1 तारीख को पगार देंगे, 2 तारीख को पगार देंगे, ये कौन सी बात हुई बताओ? हमारे घर में, मेरे घर में तो बिल्कुल कमाने वाला भी कोई नहीं, एक बच्चा कमाता है मेरा, मैं बेवा औरत हूँ। हाँ, मेरे घर में खाने पीने को राशन नहीं, आप चल के देखो, इतनी परेशानी हो रही हमारी। हाँ, भाड़े वाले हम लोग, मैं कल पूरा दिन घूमी हूँ मेरे भाड़ा देने के लिए, एक एक से भीख मांग मांग के भाड़ा भरी हूँ मैं, कल उधार ला ला के ब्याज पे पैसा ला ला के देंगे मेरा बेटा, पगार आएंगे, आ जाएंगे, कल आएंगे करके, पगार आने का पता नहीं है, ये कौन सी बात हो गई? क्या बोला जा रहा है, मनपा के अधिकारी आ रहे हैं, क्या बोल रहे हो? एक मिनट, बच्चों ने इतने मुसीबत में, हमारे बच्चों ने कोरोना के इसमें हमारे बच्चों ने साथ दिए, बोले कि हम लोग रखेंगे, मतलब परमानेंट ड्यूटी रहेंगी, हाँ, और अभी निकाल दिए, ये क्या बात हुई बताओ? क्या मामला है? हम लोग शानूबाई की तरफ से आए, हम लोग काम के लिए गए थे शानूबाई के तरफ, तो शानूबाई ने हम लोग को इधर लगाए थे, हमने करे। देखो, लॉकडाउन से पहले मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, मेरा आदमी का इंतकाल हो गया, इसके लिए हम मजबूरी में आए इधर काम पे, हमको पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, काम करके लिए घर में बिठा दिया हमको, हटा दिए काम से। हाँ, कितने महीने काम? हम लोग सिर्फ पानी पीने को बैठे, तो गोसावी साहब आए, तो बोलते साहब इकड़े या बगा, काय काम चालू आहे इकडे,
पानी इधर पूरा दवाखाना साफ करके लिया हम लोग से, तो एक जगह बैठ के हम पानी नहीं पी सकते क्या? पानी पीने के टाइम आई बोलती हाँ देखो इधर बेटे ले, देखो इधर धू ले, लेकिन हमको तो पहले बताने का था ना कि ये साफ करना है वो करना है। हम लोग आए तो पूरा ये ग्राउंड पूरा दवाखाना पूरा टॉयलेट वो सब साफ करके लिए, हमने करके दिए उनको साफ। फिर वो पेशेंट का बेड रहता है ना उसके ऊपर हमको बताए नहीं, सिर्फ आके गोसावी साहब को बता रही है देखो इतनी धूल है, देखो इतनी धूल है, बता रहा है ये जोया मैडम बता रही है। तो हम लोग हटा दिए हम लोग को काम से, हम लोग भी दो दो ढाई ढाई महीना काम कर काय का पगार कुछ भी नहीं है। बोलो मेरा आदमी भी नहीं है, हम लोग क्या खाएंगे बैठ के? एक बच्ची है, मेरी बच्ची भी थोड़ा हाइट से कम है, क्या खिलाऊ मैं उसको? आप लोगों को परमानेंट ड्यूटी बोला गया था? हाँ परमानेंट ड्यूटी बोले थे, निकालेंगे नहीं बोले। तो कैसे आप मनपा के जो अधिकारी यहाँ पर आते हैं उन लोगों से आप लोगों ने बातचीत की कुछ ऐसा कि हमें पगार आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है? वो लोग आ रहे ही नहीं एक महीने से, तो हम लोग कहाँ से पूछे? दीपावली से चालू है ना तब से कोई आया ही नहीं यहाँ पे, बस कोई नहीं आया, कोई अभी तक आया ही नहीं। अधिकारी पहले आते थे दो महीने पहले, हर हर हफ्ते में बोले। और ऐसी भी जानकारी आ रही है कि कुछ पगार बोल रहे हैं आप लोगों को नहीं मिले, डेट दे रहे नहीं दे रहे ऐसे नहीं बोल रहे, डेट नहीं डेट सिर्फ एक्चुअली पोस्टपोन हो रहा है, बार बार पोस्टपोन हो रहा है। आप लोगों की जो है इतने तारीख के बाद से एंट्री हुई है, इतने एक महीने का पगार जो है शायद 25 दिन का नहीं मिल रहा है। हाँ तो बोल रहे कि नहीं मिल रहा है सितंबर का पेमेंट बोल रहे, और पहले भी बोले थे विदाउट लीव काम करो हम लोग मिलेगा, और बाद में 25 बारे में बोल रहे कि नहीं वो मिलेगा ही नहीं, ऐसे डायरेक्ट बोल रहे हैं वहाँ से वर्क ऑर्डर बोल रहे हैं वहाँ से 25 से मिला है ऐसा। 25 सितंबर के बाद से आपका वर्क ऑर्डर निकला थाने महानगर पालिका से, 25 दिन का पेमेंट जो है बोला जा रहा है कि 25 तारीख के बाद से आपका वर्क ऑर्डर निकला। मैनेजमेंट यही बोले थे गोसावी साहब और मनीष जोशी साहब कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो अभी पगार फिलहाल आप लोगों की कितना तय किया गया है, एक महीने का पगार क्या है? फिक्स नहीं बताया सर, खाली इतना बोले 15 से 20 के बीच में रहेगी आपकी। 15 से 20 और ये चौथा महीना चालू अभी तक पगार नहीं मिला, तो अभी आप लोगों का आंदोलन कैसा ये जारी रहेगा क्या रहेगा? जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा सर। क्या कहेंगे आप, जारी कैसा रहेगा? जब तक बातचीत नहीं होती, ऑन पेपर लिख के नहीं मिले तब तक जारी रहेगा। टीएमसी के अधिकारी कोई भी अधिकारी काम वगैरह भी आप लोग बंद करके रखें, बंद करके रखें, बंद करके। तो कब तक नहीं काम चालू करेंगे? जब तक पेमेंट का कुछ फाइनल नहीं होगा तब तक ऑन पेपर जब तक लिखित में चाहिए। इतनी पगार है आपकी, इतनी तारीख को आएगी, ऑन पेपर लिख के दो हमको, ऑन पेपर लिख के दो हमको, इतनी पगार है इतनी तारीख को आएगी, उसके बाद हम लोग काम चालू करेंगे। ऑन पेपर लिखित दो कोई भी टीएमसी का अधिकारी, हाँ एक तारीख ये फिक्स डेट बता दो हमको बस। इधर कुछ बोल रही है, पूरा 3 महीने का पेमेंट चाहिए, एक ही महीने का बोलेंगे एक महीने का मिलेगा करके, 3 महीने का पेमेंट हमको पूरा चाहिए, जिनको भी निकल बाद में वापस हमको वैसे ही लटका के रखेंगे। कितने लोग हैं आप लोग टोटल, कितने लोग? ऐसे 72 लोग, 72 लगे 72, पर ऐसा पहले 100 भर्ती हुए थे, आधे लोगों को जो निकाला है ना उनको भी पेमेंट मिला नहीं है, तो ऐसे पूरे लोगों को पेमेंट मिलना चाहिए, भले अभी 72 रखे पर सबको पेमेंट मिलना चाहिए, जो बाकी के जो निकाले गए उनको भी पेमेंट उनको भी मिलना चाहिए, जो एक एक महीना काम करके गए उनको भी मिलना चाहिए। 2 महीना मेरे को भी काम से निकाला, बोलते तेरा लिस्ट में नाम ही नहीं है। क्या बोले थे? मैंने 2 महीना काम किया है, बोलते तुम्हारे लिस्ट में नाम नहीं है तो कल से तुम काम पे मत आ जाओ। मैं भी 3 महीने अभी नाम है, नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, घर पे बोला आने का नहीं कल से। तो ये फिर कार्ड कैसे बना? पहला कार्ड दिया था उन्होंने स्टार्टिंग में, मेरे पास भी आईडी कार्ड पहला स्टार्टिंग में कार्ड दिया था मना के मेरे। अच्छा, और लिस्ट में नाम नहीं है? हाँ लिस्ट में नाम नहीं बोले, फिर बोलते तुम आओ मत कल से। 3 महीने से कर। क्या नाम है आपका? भूषण, भूषण दुराफ है। नवम्बर तक क्या नाम है आपका? भूषण दुराफ है। अच्छा, आपका नाम लिस्ट में नहीं, नहीं है? देखो इसका भी राजेश माने मेरा नाम है, मैं सितंबर से लेके नवंबर तक काम कर चुका हूँ, इधर कर रहा हूँ अभी तक, पर मेरा बोल रहा है अभी लिस्ट में नाम नहीं है तो मैं घर पे रुका हूँ अभी 8 दिन से। मेरे को बोल रहे तुम्हारा लिस्ट में नाम ही नहीं है, जबकि मेरा फर्स्ट लिस्ट में नाम है। क्या सब है? थे आप यहाँ पर? मैं सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड था इधर दवाखाने में अंदर। अभी बोल रहे कि 3 महीने के बाद बोले तुम्हारा लिस्ट में नाम नहीं है, जबकि मेरा लिस्ट में नाम था। अगर नाम नहीं है तो ये सब बनाए कैसा? बहुत सारे लोगों का ऐसे प्रॉब्लम है, 2 महीना काम करके ले रहे बाद में बोलते लिस्ट में नाम ही नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। जोशी सर, आज जो यहाँ पर गार्ड है और सफाई कर्मी, उन लोगों ने आंदोलन किया, उनका कहना है कि उन्हें 3 महीने की, चौथा महीना चालू हो गया, उन्हें पगार नहीं मिली है, तो क्या पूरा मामला है, पगार उनको कब तक मिलेगी? देखिए आपको एक बता दूँ कि हमारा जो कोविड सेंटर शुरू हुआ तो शुरू में तो पेशेंट बहुत कम थे, आप भी जानते हैं, एक्चुअली हमारे मुमरा में तो केसेस ही कम थे, लेकिन माननीय मंत्री महोदय जितेंद्र आवाड़ उनकी तरफ से और महाड़ा की तरफ से यहाँ 400 बेड का हॉस्पिटल बना, उसके हिसाब से फिर हमने डिसाइड किया कि हमको हाउसकीपिंग का स्टाफ चाहिए, ठीक है,
तो हाउसकीपिंग का स्टाफ जल्दी से जल्दी यहाँ आने के लिए हमने सारी जो प्रोसीजर है उसको शॉर्ट कर दी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि महापालिका में जो बिलिंग होती है, जैसे पगार निकलता है, पगार का जो बिल होता है उसकी एक प्रोसीजर होती है, प्रस्ताव तैयार होता है, वो महासभा में जाता है। अभी आपको भी पता है महासभा महीने में एक ही बार होती है ना, फिर स्टैंडिंग कमेटी में एजेंसी फिक्सेशन जाता है ना, क्योंकि जो एक्चुअल जो फाइनेंशियल है वो स्टैंडिंग कमेटी करती है। स्टैंडिंग कमेटी भी आपको पता है कि ये कोविड के समय हर हफ्ते नहीं लग रही थी, क्योंकि विषय नहीं होते थे, तो उसमें भी थोड़ा विलंब हुआ। और अभी स्टैंडिंग कमेटी का भी काम हो गया। और ये भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप ही के मुमरा के नगर सेवक, उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी में आवाज़ उठाई कि ये जो प्रपोजल है जल्दी से जल्दी मंजूर हो, और मंजूर भी हो गया। मैं किसी नगर सेवक का नाम नहीं लूँगा। उसके बाद अब ठहराव भी हो गया है, हमने यहाँ से सबके अटेंडेंस भी ले लिए, क्योंकि आपकी उपस्थिति के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। फिर ये बिल जाता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, वहाँ इसकी चेकिंग होती है और उसके बाद उसका चेक इश्यू होता है। मैं आपको बोलता हूँ कि पहले दो महीने की इनकी जो सैलरी है ये परसों तक इनको मिल जाए। सर ये भी बात आ रही थी सामने कि उन लोग के पास टीएमसी का कार्ड है, लेकिन उन लोगों का कहना है कि हमारा नाम लिस्ट में है ही नहीं, निकाल भी दिया गया है, कुछ लोगों को नौकरी से भी निकाल दिया गया है। देखिए आदमी जो स्टाफ रखा जाता है ना वो किस पे डिपेंड होता है? पेशेंट्स पे। अगर पेशेंट ही नहीं है तो मैं वो वैसे उतने ही स्टाफ रखूंगा? आप खुद मुझे बताइए, आपको भी एक साइडेड पिक्चर प्रेजेंट हो रही है। एक जमाने में 100 पेशेंट थे तो उसके हिसाब से 70-72 हाउसकीपिंग स्टाफ, अब पूरे थाना में महाराष्ट्र में पेशेंट ही कम हो गए तो उतना ही स्टाफ रखा जाएगा क्या? अगर रखा भी तो उन्हें मैं काम क्या दूं? अरे पेशेंट ही नहीं है तो मैं काम क्या दूं उनको? इसीलिए जो इसमें एज हो गई थी जिनकी ज्यादा है ना, तो उन सबको अब कम किसको करें? कम तो करना ही पड़ेगा ना, कल हमारा ऑडिट ऑब्जेक्शन लग जाएगा कि भाई पेशेंट नहीं है, इतना सारा स्टाफ रखा हुआ है आपने, है ना, वो भी रूल के खिलाफ है। तो ऐसे लोगों को हमने स्टाफ को कम किया। हाँ ये मैं मानता हूं, प्रशासन को मैं निर्देश देता हूं अभी कि जिन्हें आपने कम किया उन सबके कार्ड आप जब्त कीजिए, क्योंकि आज वही कार्ड दिखा के वो स्टेडियम के अंदर आए। एक्चुअली उन्होंने आज नहीं आना चाहिए था क्योंकि वो यहाँ के एम्प्लॉय नहीं है। और ये कोई उनके पगार नहीं मिली है तो इसलिए जो नहीं, देखिए मैं अगेन एक क्लियर कर दूं आपको, पगार ये आपका अधिकार है। आज वो यहाँ आए अपने अधिकार के लिए, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की, हमारी कोई गिले शिकवे नहीं है, हमारी कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं। तो यानी क्या माना जाए, जितने भी लोग आंदोलन कर रहे थे, जितने भी लोगों को निकाल दिया गया है काम से, जरूरत के हिसाब से आप रखे और लोगों को निकाल दिए, तो क्या सभी लोगों को आप पगार जो दो से, मैंने आपको बोला पहले दो महीने की सैलरी परसों तक सभी को मिल जाएगी, और उसके बाद के आगे की? उसके बाद भी प्रोसीजर चल रही है, प्रोसीजर चल ही रही है बस, वो भी उसके बाद की सैलरी जो बैलेंस सैलरी है वो भी 10 दिन में मिल जाएगी। अच्छा इनका एक कहना और था जो सर कि जो 25 दिन स्टार्ट के थे उसमें कहा गया है कि उसकी पगार नहीं मिलेगी 25 दिन। देखिए कैसा है, मैंने आपको वापस बोला हर चीज का एक प्रोसीजर होता है। नहीं नहीं 25 दिन जो काम किए उसका पगार नहीं मिलेगा, पॉलिसी डिसीजन है, वो एक पॉलिसी डिसीजन है। मुमरा के सब नगर सेवकों के साथ हमारी चर्चा चल रही है इस मामले में, हम भी कमिश्नर साहब और महापौर साहब को भी हम मिलने वाले हैं और उस पर भी जरूर सोल्यूशन निकले। तो मनीष जोशी सर ने जिस तरह से बताया कि जिस तरह जो आज आंदोलन किए कर रहे हैं या जो आंदोलनकारी हैं यहाँ के गार्ड सफाई कर्मी, उनका कहना था कि जो 3 से 4 महीने की पगार बाकी है, बहरहाल जो उनके सवाल थे हम सभी सवाल जो है मनीष जोशी सर से किए, उन्होंने जवाब भी दिया। और रही बात पगार की, तो 2 महीने की पगार उन्हें 2 दिन के बाद देने का आश्वासन मनीष जोशी ने किया है, और आगे का जो पगार रहेगा वो डिसीजन आगे चलकर जो है लिया जाएगा। कैमरामैन यूसुफ पुरी के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।